जय गुरुजी संगत जी, हैप्पी बर्थडे गुरुजी, हैप्पी बर्थडे संगत जी। 7 जुलाई है, गुरुजी का जन्मदिन है। आप सबको गुरुजी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, 7 जुलाई से पहले पहले गुरुजी आप सबके घरों में आ रहे हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी अरदास है गुरुजी से, संगत जी आप गुरुजी को बोल दो, गुरुजी बस आपके घर में आते ही होंगे। 7 जुलाई बस आने वाली है, 2 दिन रह गए हैं। देखना गुरुजी आपके घर में जैसे ही आएंगे ना, आपको गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिलेगी, इतनी ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक बार फिर से आपको गुरुजी के बर्थडे की, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो, आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में जाके बोलते रहते हैं इधर उधर कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ,
और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, झोलियां फैलानी पड़ती हैं आगे। संगत जी, मैं तो आज गुरुजी से यही कहता हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए, पर वही बात है, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे, संगत जी गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत मनोज कुमार अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मनोज कुमार गुरुजी की संगत में दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई है 2023 में, पिछले साल में। सबसे पहले तो आप सबको हमारे पूजनीय गुरुजी महाराज के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7 जुलाई है संगत जी, गुरुजी का बर्थडे है, बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेशन होती है बड़े मंदिर में, बहुत बड़ा मतलब फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है पूरा बड़े मंदिर में। संगत जी आप सबको शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे गुरुजी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 में मैं गुरुजी के साथ जुड़ूं, वो भी कैसे। संगत जी, मैं एक नौकरी पेशा बंदा हूं, मैं एक नौकरी करता हूं एक ऑफिस में, मतलब ना एक आप कह लो कि ट्रैवल एजेंसी है एक, मतलब दिल्ली में पहाड़गंज के अंदर, वहां पे संगत जी मैं जॉब करता हूं। जिस दुकान पे, जिस ऑफिस में मेरी नौकरी है ना, उस मतलब उस ट्रैवल एजेंसी के मालिक जो हैं वो गुरुजी को मानते थे और उनके थ्रू ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हूं। संगत जी पता है कैसे, मेरे ऑफिस में जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, वहाँ गुरुजी के कम से कम 4-5 स्वरूप हैं। ये पिछले साल की बात है, 7 जुलाई की, क्योंकि 7 जुलाई को ही मैं गुरुजी के साथ में जुड़ा हूँ पहली बारी। संगत जी कभी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपना आया मतलब सुबह आए रात को चले गए, बस यही काम था, इधर उधर काम देखा, गाड़ियां देखी ठीक है नहीं ठीक, कहाँ भेजनी है गाड़ी, कहाँ से आनी है, बस इसमें ध्यान लगा रहता था। 7 जुलाई वाले दिन मेरे मालिक जो मेरे कंपनी के जो ऑनर है वो नहीं थे ऑफिस में, वो कहते मैं जा रहा हूँ, मनोज तू अपने आप देख लियो, आज का दिन है, मैं जा रहा हूँ, मेरे गुरुजी का बर्थडे है, बड़े मंदिर जा रहा हूँ छतरपुर में, तो आज मैं नहीं आऊंगा, मैं कल आऊंगा, आज तू देख लियो। मैंने कहा ठीक है सर, मैं देख लूंगा अपने आप जो भी है पीछे से, आप चिंता मत करो, आप आराम से जाओ। संगत जी वो चले गए, अब मैं पीछे से ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, खाली था उस दिन, काम भी नहीं था कुछ, इतना खास काम भी नहीं था। संगत जी आजकल मार्केट में वैसे ही काम नहीं है किसी का, तो बैठा हुआ था तो ना संगत जी, उस दिन टीवी भी खराब था, वरना मैं टीवी देख के ना मतलब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाता था, मतलब टीवी देख के थोड़ा सा ध्यान भटक गया, मतलब लग गया ध्यान थोड़ा सा इन चीजों में। उस दिन टीवी खराब था, बारिशें बड़ी हो रही थी दिल्ली में, 7 जुलाई का दिन था, अकेला था बिल्कुल, तो मेरी नजरें संगत जी दीवारों पे गई, मतलब जो आस जो पूरा ऑफिस बना हुआ है ना उसमें, तो दीवारों पे नजरें गई मेरी, मैंने कहा ये मतलब ये किसकी फोटो लगी हुई है सामने, एक फोटो, दो फोटो, तीन फोटो, मैं कहूँ संगत जी मन में सोच रहा हूँ कि किसकी फोटो है ये, मतलब इतनी सारी फोटो लगी हुई है। फिर बाहर ना संगत जी मेरे से पुराना, मतलब मैं तो अभी 6 महीने से ही आया था यहाँ पे, 2023 की बात है जुलाई की, तो मुझे आए 6 महीने हुए थे,
मेरे से पहले जो बंदा काम करता था संगत जी वो बाहर बैठा हुआ था। मैंने उसको बुलाया छोटू को, मैंने कहा छोटू ये किसकी फोटो लगी हुई है यहाँ पे ऑफिस में? तो वो कहता ये ना हमारे जो सर हैं, जो मालिक हैं इसके, उनके गुरुजी हैं ये उनको मानते हैं, तो ये उनकी फोटो लगी हुई है। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। वो चला गया बाहर जाके, फिर बैठ गया। तो मेरे दिमाग में आया हाँ यार, जब सर जा रहे थे अभी यहाँ से तो वो कह के गए थे कि मेरे गुरुजी का बर्थडे है 7 जुलाई को, तो मैं वहां जा रहा हूँ बड़े मंदिर छतरपुर में, तो ये वही होंगे गुरुजी। संगत जी मैं देखता जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मेरे को देख के हंस रहे हैं, मेरे को ये फील हो रहा था। और थोड़ी देर के बाद मैं गुरुजी से लाइव बातें कर रहा था। थोड़ी देर के अंदर अंदर क्या बातें कर रहा था, गुरुजी मेरे को लाइव ये बता रहे हैं कि तेरा जो मालिक है ना कंपनी का, इसका जो ट्रैवल एजेंसी का, वो आ रहा है, रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हुई है, उसने गाड़ी वो ठीक करवा रहा है, सब कुछ गुरुजी मेरे को लाइव दिखा रहे हैं। और जैसे ही मैंने 5 मिनट के अंदर फोन करा अपने जो मालिक है मेरे, जो सर है, वो कहते हैं हाँ मेरी गाड़ी खराब है संगत जी आप देख लो। मतलब मैं अनजाने में गुरुजी के साथ जुड़ा हूं, मेरा कोई मतलब मेरे घर में कोई परेशानी नहीं थी, कोई मुझे तकलीफ नहीं है, आज भी कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। संगत जी गुरुजी ने मेरे को ऐसे जोड़ा अपने साथ, जबकि मेरा गुरुजी के साथ कोई लेना देना नहीं है। संगत जी मैं तो बिलोंग भी यूपी से करता हूँ, मैं कोई दिल्ली का नहीं हूं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ संगत जी, रायबरेली से। कहां हम लोगों का गुरुजी के साथ में कोई कनेक्शन? आप देखो मैं बैठा था खाली, ध्यान गया गुरुजी की तरफ, उससे पूछा कौन है ये, उसने बताया गुरुजी हैं बॉस के, संगत जी वैसे ही, मतलब देखता गया आज संगत जी मेरे घर में सारे लोग गुरुजी को मानते हैं, क्या मेरे पापा, क्या मेरी मम्मी, क्या मेरी बहनें, क्या मेरी आंटी, बच्चे, सब लोग, हम लोग हर सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर में जाते हैं आज की डेट में। जबकि संगत जी जरूरी नहीं है कि कोई परेशानी होगी आप तभी जाओगे, अब वैसे भी तो गुरुजी के पास जा सकते हो ना, क्या गुरुजी वैसे संगत को नहीं बुलाते? क्या सिर्फ परेशानी होगी तभी गुरुजी आपको बुलाएंगे? नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज तो ब्लेस करने के लिए बैठे हैं, आप आओ ब्लेसिंग लेके चले जाओ, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। सो प्लीज आप आज के इस गुरुजी के बर्थडे के स्पेशल सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बिना लाइक शेयर किए किसी ने भी नहीं जाना। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी। संगत जी।